स्वागत है। और मैं आप सभी से भी आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। दूर दूर से आए हुए शहीद कीर्तन प्रेमी बंधुओं का, भाइयों का और प्रांगण में हमारी माताएं बहनें भी विराजमान हैं, आप सभी का भी हृदय से स्वागत कर रही हूँ। और मैं आप सभी से भी आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, स्वागत कर रही हूँ सम्मान की श्रृंखला में आदरणीय बहुत ही अच्छे फनकार अलग लोग हैं। आप स्वरों के सम्राट कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, कीर्तन जगत में सम्मान्य है क्योंकि तुरई से तुम्हारे है आदरणीय बड़े भैया सम्मान्य श्री मुकेश मृदुल जी तुरई जावर। आपको और आपके सभी सक्षम कलाकारों को मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है। और मैं आप सभी का इस विशाल मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन कर रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ सामान्य आदरणीय हमारे चाचा जी जो इस कार्यक्रम को लाइव भी चला रहे हैं और रिकॉर्ड भी आपके द्वारा हो रहा है। सामान्य चाचा जी श्री के एस म्यूजिक कसे सिंह राठौर, ऑपरेटर सामान्य चाचा जी संजय चाचा जी, आपको भी मैं वैसे नमन कर रही हूँ और आपका आशीर्वाद सौभाग्य कर रही हूँ। हम बच्चों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहता है और ऐसी कामना कर रही हूँ कि सदैव बना रहेगा। आइए निवेदन कर रही हूँ प्रांगण में जितने भी भक्तजन यहाँ वहाँ पहुँच गए हैं, हालांकि ये संपूर्ण रात का कार्यक्रम है, कीर्तन का कार्यक्रम है, तो निवेदन है आप सभी लोगों से जितने भी भक्त पहुँच गए हैं, अगर मेरी आवाज़ आप सभी लोगों के कानों तक पहुँच रही है तो सुंदर सी व्यवस्था है हमारे मेला कमेटी के माध्यम से हुई है। आप यथा स्थान अपना ग्रहण कीजिएगा और सबको रात इस कार्यक्रम को हम दोनों बच्चों को उत्साह प्रदान कीजिए। आइए ना चले हूँ सीधा बीती के हफ्ता बाबा गजानंद जी महाराज के चरण पंडियों में जाते कहा जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बाबा गजानंद जी महाराज का गुणानुवाद अनिवार्य है। तो मैं प्रथम पूंज बाबा गजानंद जी महाराज के चरणों में चंद पंक्तियां भेंट कर रही हूँ और कह रही हूँ बाबा बिल्कुल
श्रोताओं ने सभी महान भाव ने मुझे गाने के लिए खड़ा कर दिया है। मैं चाहती हूँ आज इस विशाल मंच से आपको आमंत्रित करी हूँ और कही है कि गजानन भूत बलाधिशेदितम् जम्बो
चाहती हूँ माता रानी, आज इस विशाल मचर मंच पर मेरी नैया विराज मान लगाइएगा माँ। तेरी आ
क्योंकि कभी बेटी कभी बहू तो कभी सास होती है। पंक्ति पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ माता रानी। सुनिएगा
और वर्णन गीत के तत्पश्चात सीधा इतने समय नहीं है ढोलक की चाटी के बल बढ़ा दीजिए बाकी बढ़िया है बढ़ाते रहिए जो कम समझ में है हम लोग गा रहे हैं चलो मानी सम्मानी डॉक्टर अशोक जो कि भैया हमारे संजय भैया के सुपुत्र हैं इनकी तरफ से ये प्यारा सा अंग वस्त्र जिसमें प्रभु का नाम अंकित है और 201 रुपए का आशीर्वाद आया है महामाई हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे कशिश बिटिया के चरणों में मैं बार बार नमन कर रहा हूँ प्रणाम कर रहा हूँ कि आप आए मंच तक बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रेम की प्रतीत प्रतीत पर पावन में पारस परस प्रसाद पीयूष पिला दे मां वंदे वाणी विनायको गणेश जी महाराज माता सरस्वती दोनों का आवाहन एक साथ कर रहा हूं पर पावन में पारस परस प्रसाद पीयूष पिला देवा पड़ा हूँ पाप के पंख में मैं तो पंकित सा प्रसार दे पराग पद पंकज सा खिला दे भक्त कहता है माँ अरे प्रेम की प्रतीत प्रतीत पर पावन में पारस परस प्रसाद पीयूष पिला दे माँ और पड़ा हूँ पाप खिला दे माँ कष्ट को सकेल केल करो का बतानन मत कृपा की कटाक्ष कर कोमल कला दो माँ भरते विभव भक्त भावना में भारती भूरी ना हो पराभव मेरी भूल को भुला दो माँ तो कैसे मनाऊं माता रानी कैसे मनाऊं कैसे रिझाऊं हे पीड़ा वाली आता कुछ भी नहीं है अरे कैसे मनाऊं मैं कैसे रिझाऊं हे पीड़ा वाली आता कुछ भी नहीं है
ये वीणा वाली मुझे आता कुछ भी नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं केवल इतना जानता हूँ जब देवता भी तुम्हारे लिए बार बार ये कहते हैं कि आवाहनम ना जानामि च विसर्जनम, तो हम जैसे कुछ प्राणी आपका आवाहन कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए रागी रागी मीना जानो एक्सप्रेस रागी रागी मीना जानो न जानो विलंबित स्वर साधना में मैया मैं होता में स्वर लगे तो नहीं होना अचंभे क्योंकि ये गायन वादन दिल में कर दीजे गायन वादन दिल में सही है तो हे पीड़ा वाली हे शेरा वाली कुछ भी न जानो आता कुछ भी नहीं है कैसे मनाओ कैसे रिझाओ हे पीड़ा वाली आता कुछ भी नहीं राग रागिनी का कोई मैं ज्ञान न जानू तान सैन मिश्र जैसी तान न जानू तान सैन मिश्र जैसी तान न जानू और ये नन्ना सा आशीर्वाद क्योंकि हमारे ही बगल में ये भगवान का ही रूप मानो बच्चों को बच्चे मन के सच्चे और बच्चों की तरफ से अगर आशीर्वाद आ गया है तो मैं समझता हूँ राजा राम जी की तरफ से आ गया है, क्या बात, इसलिए माता रानी हमेशा कल्याण करे इस बच्चे का। बहुत बढ़िया। लोग मियाँ तानसेन कहने लगे। भैया जी हमारे जो तानसेन थे वो मियाँ नहीं थे, उनका बचपन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उनका नाम है तन्ना मिश्र। ये बात। जो बचपन में मिश्रा जी थे लेकिन जब पहुंच गए दरबार में तो लोग उन्हें मियाँ तानसेन कहने लगे, हालांकि वो मिश्रा जी है। तन्ना मिश्र की जीवनी में जब पढ़ो तो तन्ना मिश्र मिलता है। तो ऐसे मिश्रा जी को मैं सादर नमन करते हुए कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए। तानसेन मिश्र सी को ताने न जानो तो उपमा करूं क्या माने न जानो उपमा करूं मैं माने न जानो उपमा करूं मैं आने न जानो कभी
सूरज कभी सूरज तुलसी रस खाने न जानू तो बंदे ना का कोई अंग मुझ में नहीं है ऐसे पंजाब से दे रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तिवारी जी मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं आशीर्वाद चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए सुनिए हे शेरा वाली मेरी वाड़ी में स्वर दो हे माता शारदा आपके ही रूप है नौ दिनों में जो नौ देवियां हैं सब आपके ही रूप है क्या बात है चाहे वो बीड़ा वाली हो या कैला मैया हो चाहे वो पहाड़ा वाली हो लाटा वाली कोई भी देवी माँ हो यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ भी माता रानी के ही समकक्ष है आप लोगों की माताएं भी मेरे ही माता रानी का रूप है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ माँ सुनिए सुनिए उन शब्दों से भी रस निकले जय हो अलंकृत रसीले सब रसना में भर दो मृदुल लेखनी का मैया मृदुल लेखनी में मैया मृदुलता का वर हे बीड़ा वाली हे सेरा वाली अरे हे जोता वाली आता कुछ भी नहीं है हे सेरा वाले हे बीड़ा वाले हे लाटा वाली आता कुछ भी नहीं है हेलो साउंड सर्विस का कोई ये तो